से धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। बेगाने चुनाव में इमरान का मंत्री दीवाना। भारत के लोगों को मोदी को हराना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के गुस्से के सामने पाकिस्तानी थिंक टैंक का सरेंडर। संघर्ष के दायरे में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है। भारत की बढ़ती ताकत से बौखला रहा है इमरान का चहिता। पाकिस्तान की बयानबाजी देखिए, हरकतें देखिए, पागलपन देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस कदर हिंदुस्तान का खौफ उसके सर चढ़कर बोल रहा है। इमरान तो इमरान, उनका पूरा मंत्रालय हलकान है। ये मिस्टर फवाद चौधरी, पाकिस्तान के तथा कथित साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री, लेकिन इनका ज्ञान पाकिस्तान में ही इन्हें जोकर से ज्यादा की हैसियत नहीं देता, लिहाजा ट्विटर पर ही अक्सर अपनी भड़ास निकालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हफ्ते भर में तबाही का नोटिस थमाया तो चोट दिल से ज्यादा दिमाग पर लगी। भारत के लोगों को मोदी को हराना चाहिए। वह इस वक्त दिल्ली में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में हारने के दबाव में उल्टे सीधे दावे कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। कश्मीर, नागरिकता संशोधन कानून और गिरती अर्थव्यवस्था पर देश और दुनिया से मिली प्रतिक्रिया के बाद उनका मानसिक संतुलन खो गया है। इस तरह हिंदुस्तान के मामलों में बोलकर पाकिस्तान दरअसल अपना डर कम करना चाहता है, अपनी खीज मिटाना चाहता है, क्योंकि भारत ने उसे दुनिया में कहीं सर उठाकर खड़ा होने लायक नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी हुकूमत चाहती है कि किसी तरह हिंदुस्तानी मामलों में अपनी नाक गुजाकर थोड़ी सिंपथी ही लोगों से बटोर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। पाकिस्तान से गोली आएगी, यहाँ से गोला जाएगा, इसका जवाब पत्थर से। वैसे आपको ये भी बताने कि पाकिस्तान में रक्षा और रणनीति के लिए नीतियां तय करने वाला एक थिंक टैंक है, और उस थिंक टैंक ने जो कहा है वो पाकिस्तान की बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। पाकिस्तान के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ने कहा है कि संघर्ष के दायरे में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान पिछड़ता जा रहा है। भारत का पूरा फोकस पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने में लगा हुआ है और वो पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहता है। भारत के खिलाफ खात्मे की घंटी बजते देख मंत्री हो या विशेषज्ञ, सारे के सारे अपने अंदर के आतंकवादी को दुनिया के सामने खुद ला रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान FATF के सामने आर्थिक बदहाली का रोना रो रहा है और खुद को आतंकवादी देश के पट्टे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि FATF ने आतंकवाद समर्थक देश होने के चलते उसे ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। लेकिन सच तो सच है, अपने आप बाहर निकल आता है, और जो ये साबित करता है कि पाकिस्तान निसंदेह एक आतंकवादी देश है।